तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है किसका, साल्विया का और उसके पोलिनेट का। ये साल्विया का फ्लोर जो बाइलोब्ड है, यहाँ पर जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये फर्टाइल पार्ट है और ये स्टाइल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, उसका स्टिग्मा पार्ट है जो अभी इनएक्टिव है। इंसेक्ट अंदर की सॉरी इंसेक्ट अंदर की तरफ आएगा, नेक्टरीज तक पहुंचने के लिए वो किसी ऊपर प्रेशर डालेगा, लोअर पार्ट स्टाइल सेमन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से वो मेल पार्ट स्टाइल वाला नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। हमने बोला था कि लीवर मैकेनिज्म है, तो इसकी वजह से फर्टाइल पार्ट भी कहाँ पर शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ। जैसे ही शिफ्ट होगा तो ये किसको टच करेगा, इसकी बॉडी को टच करेगा, तो पोलन के यहाँ पर क्या हो गए, सेट ऑफ हो गए, तो ये इसके ऊपर डस्टिंग हो चुकी है। अब ये इंसेक्ट निकल के किसी दूसरे फ्लोर के अंदर जाएगा, जैसे ही ये एंटर करेगा तो जहाँ पर फीमेल पार्ट एक्टिव है, स्टिग्मा एक्टिव हो चुका है, तो एंटर करने के दौरान इंसेक्ट की बॉडी किसको टच करेगी, उस स्टिग्मा को टच करेगी, जिसके दौरान क्या हो जाएगा, वहाँ पर पोलन ग्रेन अटैच हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा। फर्दर डेवलपमेंट सारा का सारा फ्लोर के अंदर नॉर्मली चलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड वगैरह की फॉर्मेशन होगी, बट यहाँ पर जो ट्रांसफरिंग है किसकी, पोलन ग्रेन की, वो कैरियर आउट हो रही है किसकी वजह से, इंसेक्ट की वजह से होने लग रही है। तो यहाँ पर ही हो गया सॉरी दैट इज पोलिनेशन इन द साल्विया बाय द इंसेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज अनदर केस, दैट इज पोलिनेशन इन यक्का प्लांट। हम यक्का प्लांट में बात करेंगे कि यक्का प्लांट के अंदर जो पोलिनेशन परफॉर्म होती है दैट इज बाय द प्रोनोबा मोथ के द्वारा होती है। उसमें कैसे होगा कि ये यक्का प्लांट का फ्लोर हो गया, जिसके अंदर गाल फ्लोर भी है, यहां पर प्रोनोबा जो मोथ है वो एंटर करती है, ये इसकी बॉडी विंग्स आगे की तरफ माउथ, ये अंदर आने के बाद में अपने आप को टर्न आउट करती है, यानी कि इसका जो पोविस्टर पार्ट है, पोविपोस्टर जो पार्ट है जहाँ से वो एग ले करेगी, वो कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो अंदर आने के बाद में ये टर्न कर जाएगी, घूम जाएगी, और जैसे ही घूमेगी तो इसका ओविपोस्टर एंड कहाँ पर आ गया, नीचे की तरफ, और ये यहाँ पर क्या कर देगी, अपने एग ले कर देगी फॉर द सेफ साइट, ठीक है। और ये यहाँ से फिर क्या चली जाएगी, ऊपर की तरफ एज इट इज बाहर की तरफ जाएगी। अब इसका ओविपोस्टर कहाँ पर है, नीचे की तरफ, और इसका माउथ कहाँ पर है, ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही माउथ पे पहुंचेगी तो माउथ पे जाने के बाद ये फिर से क्या करेगी, टर्न करेगी, यानी कि कुछ ऐसा होगा। ये प्रोनोबा मोथ की कंडीशन देखेंगे कि माउथ पे कैसे होगी। ये तो हो गया यक्का प्लांट का फ्लोर। अभी जो एग थे वो यहाँ पर ले हो चुके हैं, डाल दी गए। अब जो मोथ है वो माउथ पर है इधर, तो वो कैसे टर्न करेगी, ऐसे थी, अभी ये ऐसे हो चुकी है, तो उसका माउथ कहाँ पर है, नीचे, और ओविपोस्टर कहाँ पर है, ऊपर की तरफ। उसके माउथ में किस पोलन बार के माउथ में दे हैव द पोलन बाल, पोलन बाल है जो उसने अपने माउथ के अंदर स्टोर करी हुई थी, दैट इज द पोलन बाल। ये पोलन बाल इस एग को कवर करने के लिए इन फ्लोर के ऊपर डाल दी जाती है, जिससे एग सेफ रहे, कवर्ड रहे, हाइड रहे, और इन्हीं पोलन बाल की सहायता से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलिनेशन भी होगा, दैट इज पोलिनेशन इन द यक्का बाय द प्रोनोबा माउथ। नाउ थर्ड वन कंडीशन दैट इज पोलिनेशन इन पोलिनेशन इन ऑर्किड प्लांट दैट इज ओफायरस। ओफायरस RYS परफॉर्म बाय द कोल्पा मोथ, परफॉर्म बाय कोल्पा मोथ के द्वारा परफॉर्म होगी। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सोडो कोपोलेशन। इसको हम सोडो कोपोलेशन भी बोलते हैं।
सोडो का मतलब फॉल्स, कोपुलेशन का मतलब होता है फिजिकल इंटैक्ट करना। इसमें एक इंसेक्ट एक प्लांट के साथ कोपुलेट करने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द सोडो कोपुलेशन। और इसमें जो प्लांट है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द रिप्रोडक्शन या फिर फॉर द पोलिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द सेक्सुअल डिसाइट। सेक्सुअल डिसाइट, और डिसाइट का मीन होता है चाल या फिर चालबाजी। तो यहाँ पर जो ऑर्किड प्लांट है, जो ओफायरस है, वो एक चाल चलेगा जिसकी वजह से वो कोल्पा मौत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पोलिनेशन के लिए क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्सिबल करेगा। अगर हम बात करें किसकी, कोल्पा की, तो कोल्पा के अंदर भी प्रोटो एंड्रस कंडीशन है, यानी कि जो मेल कोल्पा है, मेल कोल्पा वो पहले मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर फर्स्ट, ठीक है। अगर वो पहले मैच्योर हो गया तो वो कोपुलेट करने के लिए किसको सर्च आउट करेगा, फीमेल को सर्च करेगा, तो सर्च फॉर फीमेल कोल्पा। बट अभी फीमेल कोल्पा जो डीएल में है वो तो अभी मैच्योर नहीं हुई है, तो इस मेल कोल्पा को अट्रैक्ट करता है फ्लोर ऑफ ओफायरस, जिसकी स्मेल या फिर ऑर्डर और उसका कलर दैट इज सिमिलर टू फीमेल कोल्पा। यानी कि जो एक फ्लोर है ओफायरस का, ऑर्किड प्लांट का, वो एक फीमेल कोल्पा की जैसी अपीयरेंस देता है और उसके जैसे क्या देता है, ऑर्डर देता है, स्मेल देता है। तो एक किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मेल कोल्पा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये फ्लोवर, जिसकी वजह से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है फीमेल की जैसा, ये फ्लोवर है, दैट इज फ्लोवर ऑफ ओफायरस। तो इसके ऊपर इंसेक्ट आ गया, दैट इज मेल कोल्पा, और जो लगातार इसके साथ कोपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और कोपुलेशन करने के दौरान ये जो फ्लोवर है वो इसके ऊपर अब नई पोलन ग्रेन को सेड ऑफ कर देगा, ठीक है। अभी इस मेल कोल्पा की बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन आ चुके हैं, अब ये कोल्पा, मेल कोल्पा इधर से मूव करेगा और किसी दूसरे फ्लोर के साथ में, किसी दूसरे ओफायरस फ्लोर के साथ में कोपुलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके साथ में ये कोपुलेट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही कोपुलेट करने की कोशिश करेगा तो ये पोलन ग्रेन यहां से इस फ्लोर के ऊपर क्या जाएंगे, सेड ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसका जो फीमेल पार्ट होगा फ्लोर का, उसके ऊपर अगर ये पोलन ग्रेन गिर गए तो यहां पर क्या हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओफायरस प्लांट में, ऑर्किड प्लांट में जो गैमेट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, मेल कोल्पा की वजह से हो रहा है। जो फ्लोवर था किसका, ओफायरस का, वो फीमेल कोल्पा की जैसे अपीयरेंस देते हैं, जिसकी वजह से मेल कोल्पा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा उसके साथ उसके साथ में कोपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कोपुलेट करने के दौरान जो इसका मेल पार्ट होगा, इसका जो मेल पार्ट होगा वो इसके ऊपर क्या कर देगा, अपने पोलन ग्रेन को सेड ऑफ करेगा, उसकी बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन आ गए, अब वो किसी दूसरे नेक्स्ट फ्लोर के साथ में कोपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो उस कोपुलेशन के दौरान इसकी बॉडी के पोलन ग्रेन इसके फीमेल पार्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, पोलिनेशन होगा। तो यहाँ पर एक इंसेक्ट फ्लोर के साथ में कोपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स व्हाट इज नोन एज द सोडो कोपुलेशन और सेक्सुअल डिसाइट। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं किसकी, दैट इज ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट वन इज
ornithophily, ornithology, study of birds and pollination performed by the birds, known as ornithophily. When pollination performed by birds, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओनिथोफिली. क्या सभी फ्लोर ओनिथोफिली को शो करेंगे? नहीं. क्या सभी बर्ड्स ओनिथोफिली शो करते हैं? नहीं. तो मेनली जो बर्ड्स हैं जो छोटे साइज के हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि सन बर्ड, दैट इज कॉमनली नोन एज द एफ्रोएसिया, एंड द हमिंग बर्ड, दैट इज स्मॉलेस्ट बर्ड. ये दोनों के दोनों कैसे हैं? स्मॉल साइज के हैं, एंड दे हैव स्मॉल साइज एंड दे हैव लॉन्ग बीक. उनकी जो चोंच है वो भी काफी लंबी है. तो मेनली जो स्मॉल साइज के सॉरी जो स्मॉल साइज के जो बर्ड्स होंगे वो क्या करेंगे? पोलिनेशन करेंगे. और जिन प्लांट्स में पोलिनेशन होगी थ्रू बर्ड्स, उनके फीचर क्या क्या होंगे या फिर उनके करेक्टर क्या क्या होंगे? जनरल दे आर द कलरफुल, हैव नेक्ट्रीज विच अटैक द इंसेक्ट, लार्ज इन साइज कैन टॉलरेट वेट ऑफ बर्ड्स एंड बर्ड्स समटाइम्स शो द होवरिंग ओवर द फ्लोर. बर्ड्स शो होवरिंग. होवरिंग का मीन मंडराना, उसकी तरफ चक्कर लगाना. होवरिंग ऑन द फ्लोर, उसके ऊपर बैठेंगे नहीं बल्कि उसकी चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे. कुछ एग्जांपल देखते हैं प्लांट्स के जिनके केस में पोलिनेशन होता है थ्रू द बर्ड्स. नियर अबाउट 100 स्पीसीज या 100 बर्ड्स हैं जिसके अंदर पोलिनेशन होता है थ्रू द बर्ड्स. कौन कौन से हैं एग्जाम्पल में? बोम्बैक्स, दूसरा है ब्यूटिया, लोबिया, लोबलिया, एरिथिया, और भी बहुत कुछ. तो ये हो गई आपकी ओर्निथोफिली. कुछ एक्स्ट्रा टर्म और देखते हैं जैसे कि कायरो टेरो फिली. व्हेन पोलिनेशन परफॉर्म बाय बैट, जिसमें पोलिनेशन चमगादड़ों के द्वारा हो, चमगादड़ परफॉर्म करें पोलिनेशन को, दैट इज नोन एज द कायरोपेटोफिली. तो भाई वो कब एक्टिव होते हैं? नक्चरल है तो नाइट टाइम में एक्टिव होंगे. तो फ्लोर जनरली कैसे होना चाहिए? वाइट होने चाहिए ताकि नाइट में इजीली विजिबल हो, फ्रेगनेंस हो जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करें और बैट इसके ऊपर फीड कर सके. लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रैवल कर सकते हैं, नियर अबाउट 30 किलोमीटर तक बैट पोलिनेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. दूसरा एक एग्जाम्पल दैट इज मलेकोफिली. When pollination performed by mollusca phylum, that is second largest animal phylum, soft body है. तो mainly अगर mollusca pollination कर रहे हैं तो generally plant कैसे होने चाहिए? aquatic nature के होने चाहिए. तो for example water lily या फिर arum lily के अंदर भी ये pollination करते हैं. एक आता आपका ओफियोफिली.
दैट इज पोलिनेशन परफॉर्म बाय स्नेक. अगर स्नेक पोलिनेशन कर दे तो उसका फीचर होना चाहिए कि वहाँ पर इंसेक्ट हो, और जो स्नेक है वो फ्रेगनेंस अच्छी स्मेल की वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं. कई बार आपने सुना होगा कि चंदन के पेड़ पर सांप रहते हैं, तो जो सेंटलम है चंदन है उसके अंदर पोलिनेशन होगी किसके थ्रू, थ्रू द स्नेक. नेक्स्ट हम कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरल रिवार्ड फॉर इंसेक्ट, रिवार्ड फॉर इंसेक्ट्स. अगर इंसेक्ट पोलिनेशन कर रहे हैं या फिर पोलिनेशन करने में हेल्प करने लग रहे हैं तो इंसेक्ट को भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए ताकि वो इस काम को करे. तो जो फ्लोर है वो इंसेक्ट को कुछ बेनिफिट देते हैं ड्यूरिंग एंटमोफिली. इंसेक्ट गेट सम बेनिफिट्स थ्रू इफ यू बाय प्लांट्स दैट इज नोन एज फ्लोर रिवार्ड फॉर द इंसेक्ट. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट्स प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द इंसेक्ट ड्यूरिंग द पोलिनेशन, और प्लांट्स प्रोवाइड सम बेनिफिट या फिर रिवार्ड टू इंसेक्ट ड्यूरिंग पोलिनेशन दैट इज नोन एज फ्लोरल रिवार्ड फॉर इंसेक्ट. तो अगर इंसेक्ट पोलिनेशन करने लग रहे तो उनको क्या क्या बेनिफिट होंगे. तो इंसेक्ट कैन गेट नेक्टर फ्रॉम प्लांट, पोलन उनके ऊपर फीड करने के लिए, एंड थर्ड वन इज द सेफ साइट या फिर सेफ प्लेस फॉर एगलिंग. एगलिंग करने के लिए भी उनको कुछ फायदा होगा. फॉर एग्जांपल एगलिंग के अंदर दैट इज अमोर्फोफाइलस That is, tallest plant have near about 6 feet height. अगर 6 feet height के अंदर कोई insect अपने egg को lay करने लग रहा है तो काफी safe माना जाएगा. Next one is pollen or nectar robbers. रोबर्स को हम हिंदी में ठग बोलते हैं, ठीक है, ठग. यानी कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होंगे जो पोलिनेशन तो नहीं करवाएंगे लेकिन जो बेनिफिट हैं, जो सर्विसेज हैं फ्लोर के द्वारा प्लांट के द्वारा उसको वो लगातार कंज्यूम करेंगे. तो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं इंसेक्ट्स विच कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन. जो पोलिनेशन करवाए बिना ही प्लांट की सर्विसेज को, फ्लोर की सर्विसेज को यूज करें, उसके नेक्टर को या फिर उसके पोलन ग्रेन को यूज करें तो उनको हम बोलते हैं नेक्टर या फिर पोलन रोबर बोलते हैं. तो यहाँ पे जो सबसे फेमस एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया दैट इज क्वीन ऑफ बोम्बस एफिनिस. ये हो गया उस इंसेक्ट का नाम जो नेक्टर रोबर के अंदर काउंट होता है, और ये जो बोम्बस एफिनिस है इट स्टील द नेक्टर Steal nectar of plant का नेम है दैट इज
एकिलजिया, एकिलजिया स्प्रस, ये प्लांट का नाम हो गया एक्विलजिया स्प्रस, जिसके अंदर बोम्बस एपिनिस क्या करेगी, उसके प्रोडक्ट को सॉरी सील करेगी, लेकिन वहां पर पोलिनेशन परफॉर्म नहीं करेगी। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हो रहे पोलिनेशन से रिलेटेड वो देख लेते हैं, दैट इज ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। इन केस ऑफ स्पीसीज ऑफ फिकस, फिकस में अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो हाइपेंथोडियम होगी, तो उसके माउथ पार्ट पर फीमेल फ्लोर होंगी जो उसको इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर लगे पोलन इनको ट्रैप करेंगे। तो इसमें एग्जांपल आ जाएंगे आपके पीपल, फेक या जाएंगे, और जो इंसेक्ट इसमें पोलिनेशन करेगा दैट इज थ्रू, उस इंसेक्ट का नेम है दैट इज ब्लेस्टोफेगा, अनदर टर्म इज द फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। इन केस ऑफ एस्ट्रोलोकिया, एंड दिस फ्लोर आल्सो नोन एज पिटफॉल फ्लोर। नेक्स्ट वन इज रफलेसिया, रफलेसिया की स्पेशल कंडीशन आपने पढ़ी होगी, जो रफलेसिया का फ्लोर है इट प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर लाइक लाइक रोटन मीट, एक सड़े हुए मांस की तरह वो स्मेल देता है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और जो इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है दैट इज एंड अट्रैक्ट कैरियन फ्लाइज, जो पोलिनेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पोलिनेशन होगा किसके द्वारा, कैरियन फ्लाइज के लिए, और जो इसका सीड होगा बट सीड डिस्पर्सल इफ बाय एलिफेंट। इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट, कुछ प्लांट है जैसे कि निम्फिया जिसको आप वाटर लिली बोलते हो, वाटर हाइसिंथ, एंड नीलम्बो दैट इज लोटस, जो आपके प्रैक्टिकल में भी है स्पोर्टिंग में कई बार रखा जाता है, एलिस्मा, दीज आर द एक्वेटिक प्लांट, ये जितने भी नाम लिखे गए हैं दीज आर द ऑल आर एक्वेटिक प्लांट, बट पोलिनेटेड थ्रू पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन निकाल लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि ओड वन विद रिस्पेक्ट टू द पोलिनेशन। थैंक यू।